हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा। वेलकम टू गुरुमंत्र, शिक्षा का ग्रंथ। होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एंड योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग वेल। सो गाइज, दिस इज अनदर सेशन इन आर सिंगल शॉर्ट सेशन सीरीज। दिस इज द सेकेंड पार्ट इन विच वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स विद देयर फंक्शंस। Already we had covered some of the hormones, very important hormones in fact, along with their functions and necessary concepts. Make sure aap part 1 bhi dekhein so that you can connect the things in a better way. Moreover, this whole series is beneficial for all the life science exams like CSIRNet, GATE, DBT and all the relevant exams. You can make notes and can utilize it everywhere. इन केस अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल टू, जिसका नेम भी गुरुमंत्र है, जहां डेली बेसिस पर मैं काफ़ी सारे क्विज, नोट्स, ई बुक्स एंड अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो गाइज, हमने कुछ हॉर्मोन्स ऑलरेडी कर लिए थे and these are the remaining hormones जो कि extremely important है। Moving to the another gland, अगर हम बात करें pancreas के बारे में, pancreas से हम majorly देखते हैं दो hormones release होते हैं from pancreatic alpha cells and beta cells। Insulin, one of the major hormone जो कि glucose level के homeostasis, glucose के homeostasis को body में बनाता है। इंसुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर रेलेवेंस देखें या केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्रोटीन है। अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को फिक्स करेगा। एंड बेसिकली अगर हम बात करें कि किसके द्वारा ये चीज़ रेगुलेट हो रही है, तो दिस इज़ रेगुलेटेड बाय ग्लूकोज इन ब्लड। आपके रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज की कितनी मात्रा है वो निर्धारित करेगी कि कितना एंड कब इंसुलिन रिलीज होगा पेनक्रियास के बीटा सेल से। सेकेंड इज ग्लूकागन, जो पेनक्रियास के अल्फा सेल से रिलीज होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागन दोनों एंटागोनिस्ट वे में काम करते हैं। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो ग्लूकागन भी एक प्रोटीन ही है जो कि बॉडी में, ब्लड में बेसिकली रेस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब कभी भी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम है तब ग्लूकागन रिलीज होगा एंड जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसकी मदद से ग्लूकोज का लेवल रेजन अप करेगा। अगेन हम रेगुलेशन की बात करें, ग्लूकोज की कितनी मात्रा है ब्लड में वही निर्धारित करेगी कि कब और कैसे ग्लूकागन रिलीज होगा। तो दोनों हार्मोन मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का एक होम्योस्टैटिक लेवल जो है बॉडी में बना रहे हैं। क्योंकि अगेन एवरी वन ऑफ अस नो दैट कि ग्लूकोज का एक स्टैंडर्ड लेवल जो है बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ग्लूकोज का स्टैंडर्ड लेवल जो है प्रेजेंट नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ जो है हो सकती हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ डायबिटीज। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें जो कि लाइक फास्टिंग के दौरान जो है टेस्ट होता है फॉर नॉन डायबिटिक पर्सन्स, इट्स बिटवीन 3.9 to 7.1 वैल्यूज की रहती है। सो दैट इज़ यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड पर चलते हैं, दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। अगर आप एड्रिनल ग्लैंड्स की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो किडनीज की। किडनी, अगेन किडनी में आप देखते हो कि एक छोटी छोटी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, एंड अगेन जिसमें से काफ़ी सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड्स, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उनके भी दो रीजंस आप देखते हो। मेडिलरी रीजन यानी आप मिडल में, इनर में बात कर रहे हो। कॉर्टेक्स रीजन यानी कि आप एक्सटीरियर में बात कर रहे हो। तो यहाँ से आप देखते हो कुछ हॉर्मोन्स मेडुलरी रीजन से आ रहे हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जिनका केमिकल नेचर है अमाइन। अमाइन की भी अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ओनली। कब जो है हम देखते हैं कि अमाइन जो है या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, तो अगेन
दे रेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब भी शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इनक्रीज करना है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, सिकोड़ना है, तब जाकर हम देखते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। जब भी जो है बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं कि मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, एड्रेनलिन रश, ये भी काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, एड्रेनलिन भी बोलते हैं इस हार्मोन को, जिसका प्राइमरी काम होता है कि कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना है। जब भी कभी इमरजेंसी कंडीशंस हैं, कार्डिक आउटपुट चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चाहिए, तब एपिनेफ्रिन जो है एड्रेनल मेडुला से जो है वो बेसिकली रिलीज होता है। मोरोवर अगर हम इसकी बात करें कि इसका रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन बेसिकली नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अगेन हम बात करें नॉर एपिनेफ्रिन की, तो अगेन एड्रेनलिन के साथ, एपिनेफ्रिन के साथ जो है ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को एंड ब्लड की पंपिंग को हार्ट में से। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, बिकॉज अगेन कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी भी इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, फैट को ब्रेक डाउन करना, ब्लड में ज़्यादा शुगर लेवल देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बॉडी को एनर्जी मिल सके, जब कभी भी ज़रूरत है उस केस में हम दोनों हार्मोन्स का रिलीज देखते हैं। अगर आप कॉर्टेक्स एक्सटीरियर रीजन से देख रहे हो तो दो हार्मोन्स आपके सामने आएंगे, वन इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेकेंड इज़ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जो कि दोनों के दोनों जो हैं स्टीरॉयड है नेचर में। अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम पे भी जाओगे, नाम से भी पता चल रहा है इसका बेसिक फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हाई करना। एंड अगेन रेगुलेशन की बात करोगे तो रेगुलेशन जो है वो अगेन ACTH की अगर आप बात करोगे, दैट इज़ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एक ट्रॉपिक हार्मोन है, जो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रीट होता है। एंड फर्दर जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कितना होगा कितना नहीं होगा उसको जो है वो कंसिडर करता है। सेकेंड इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, अगेन आप देखते हैं कॉर्टिसोल भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन्स इन किडनी। पोटेशियम आयन की मात्रा कितनी है शरीर में ये निर्धारित करेगी कि कितना जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो बॉडी में से रिलीज होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। ये भी बेसिकली कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की क्लास ही है, जो कि स्टीरॉयड क्लास में ही आती है। एंड अगेन सॉल्ट वाटर का बैलेंस, या फिर मैं आम भाषा में आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा, किडनी का मेन फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस क्या है क्या नहीं है उसको मेंटेन करना। अगर हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, तो दैट इज एल्डोस्टेरोन, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जो कि हम एल्डोस्टेरोन का देखते हैं। कॉर्टिसोल भी जो है इसमें एग्जाम्पल देखा जाता है, साथ साथ एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को भी आपको याद रखना है। जो फाइनल पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर एब्जॉर्प्शन का विद इन द नेफ्रॉन, लाइक जो यूनिट्स हैं जिस पर किडनी काम कर रही है उसको फाइन ट्यून करने में एल्डोस्टेरोन काम करता है। आप आम भाषा में बोल सकते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में। नेक्स्ट ग्लैंड्स पर हम आते हैं, लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर अब आप आ चुके हैं, गनाट्स की बात करेंगे। तो मेल के केस में हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, फीमेल के केस में हम ओवरीज की बात कर रहे हैं। टेस्टिस से आप देख रहे हैं एंड्रोजन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, अगेन दे आर व्हाट स्टीरॉयड इन नेचर, जो कि मेल के केस में स्पर्म फॉर्मेशन को, डेवलपमेंट को, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने में मदद करते हैं। रेगुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप ओवरीज के बारे में बात करोगे तो इस्ट्रोजन इज द वन जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, जो कि अगेन स्टीरॉयड है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं एंड्रोजन स्पेसिफिकली मेल वाली चीज़ें लेकर आ रहे हैं, एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करते हैं यूटेराइन लाइनिंग ग्रोथ को, मंथली साइकिल हम देखते हैं जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है,
प्रमोट करते हैं फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगेन हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है कि कितना एंड कब क्या लेवल एस्ट्रोजन का रहेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, दैट इज अगेन स्टीरॉयड इन नेचर, जो कि यूटेराइन लाइनिंग ग्रोथ को सपोर्ट करने को, प्रेगनेंसी सपोर्ट करने को आफ्टर कंसीविंग हेल्प करता है, एंड अगेन FSH एंड LH की मात्रा जो है इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड पर आते हैं, दैट इज पीनियल ग्लैंड, जो कि एक सबसे छोटी ग्लैंड है, जो कि एक हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है जिसका नाम है मेलेटोनिन। अगेन हम मेलेटोनिन काफ़ी जगह पढ़ते हैं, ये भी जो है अगेन एक ही बहुत ही ज़्यादा काफ़ी जगह पूछा जाने वाला जो है सवाल है, काफ़ी जगह पूछ लिया जाता है। अमाइन अगेन इसका केमिकल नेचर है, दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमाइन मतलब। मेलेटोनिन की आप बात कर रहे हो, ब्लड प्रेशर में, ऑटोनॉमिक कार्डियोवेस्कुलर रेगुलेशन में, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में भी इसका रोल देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है वो देखा जाता है स्लीप पैटर्न्स में, कि बायोलॉजिकल जो रिदम्स हैं जिसको आप सर्काडियन रिदम भी बोलते हो, लाइट डार्क साइकिल्स, बाहर कितना लाइट है कितना नहीं है, उसके रिगार्डिंग में जो है हम मेलेटोनिन को देखते हैं, क्योंकि मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो रात के समय होता है, एंड ये प्रमोट करता है स्लीप को। एंड अगेन एक काफ़ी सारे लोगों को इंसोमनिया की दिक्कत होती है, तो वो भी इसी तरीके से कोशिश करते हैं दवाइयों से कि मेलेटोनिन का सीक्रेशन हाई हो, एंड जो इंसोमनिया की दिक्कत है, स्लीप वेक साइकिल में उनके इश्यूज हैं, वो मेनली सॉल्व। तो अपार्ट फ्रॉम दीज रोल्स, इसके और भी बहुत सारे रोल हैं, लेकिन जो इसका मेन रोल है उसके उसको देखते हुए बेसिकली इसको जो है स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है, स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है, जिसका सिक्रीशन रात के समय जब देर इज नो लाइट या लाइट नेचुरल लाइट प्रेजेंट नहीं है उस केस में टेनफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ मेन हॉर्मोन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब काफ़ी बार आप एक एक्सेस के बारे में क्वेश्चंस में देखते हो, दैट इज़ HPA एक्सेस। H इज़ फॉर द हाइपोथैलेमिक, P इज़ फॉर द पिट्यूटरी, एंड A इज़ फॉर द एड्रिनल, यानी कि किडनी की आप बात कर रहे हो। इज़ आर सेंट्रल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, एमरजेंसी कंडीशन है, तो ये पूरी पाइपलाइन पर काम होता है। आपको बिल्कुल एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर का पार्ट जो हाइपोथैलेमस है, ग्रीन पिट्यूटरी, एंड एड्रिनल ग्लैंड्स पे, किडनीज पर एड्रिनल ग्लैंड्स दिखाई दे रही होंगी रेड कलर में, राइट। दे आर द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूरो एंडोक्राइन एडेप्टेशन के लिए। जब कभी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है तो हम देखेंगे मल्टीपल हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, राइट, एंड अगेन एल्डोस्टेरोन है, एमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं, दे आर द वन जो कि स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज हो रहे हैं जब बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एंड उसमें पूरी एक पाइपलाइन काम कर रही है जिसमें तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। इन्हीं के तीनों के रेगुलेटिव वर्क से जितना भी स्ट्रेस कंडीशन है या बॉडी की उस समय रिक्वायरमेंट है बाय रिलीजिंग ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स पूरी होती है एंड टारगेट पोजिशन पर जाकर काम करती है। होपफुली आपको जो है सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, एंड सेशन चाहे जितना भी बड़ा या छोटा है कोई दिक्कत नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे सकूं, एंड एक एक सेशन से आपके बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ बहुत अच्छी रैंक एंड स्कोरिंग बने फाइनल एग्जामिनेशंस में। डेफिनेटली आई विल बी कंडक्टिंग अ प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो, जिसमें हम हॉर्मोन से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपने जितना भी क्यूमुलेटिव वे में पढ़ा है या समझा है या रिलेट करने की कोशिश की है, आप प्रैक्टिस सेशन से उसमें अपने आप प्रैक्टिस सेशन देकर खुद को एनालाइज कर पाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ स्टे सेफ एंड कनेक्टेड, सी यू सून, थैंक यू।